जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक टिक गया। किसकी सरकार थी 14 में बताइए जरा। अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी।